किसान भाइयों नमस्कार। आज हम सोयाबीन में लगने वाली जो इल्लियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, कई किसानों से समाचार मिले हैं कि उनके खेत में सोयाबीन पर तरह तरह की इल्लियां लग रही हैं। विशेष रूप से सेमी लूपर की पहली पीढ़ी की इल्लियों ने कुछ नुकसान किया है। तंबाकू की इल्ली भी देखने में आ रही है और कहीं कहीं चने की इल्ली, जो फली छेदक इल्ली होती है, उसका भी शुरुआत हो गई है। इसकी पत्ती खाने वाली इल्लियों के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो तंबाकू की इल्ली हो चाहे सेमी लूपर हो। अगर आपकी फसल फूल आने की अवस्था में है तो ये इल्लियाँ पत्तियाँ खाना पसंद नहीं करती, वो फूल खाना पसंद करती हैं। और फूल चूँकि नीचे लगे रहते हैं इसलिए आपको इनका नुकसान दिखाई नहीं देता है। ऊपर से आपको पत्तियाँ बड़ी स्वस्थ दिखाई देंगी और आप खुश हो रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बैठे बैठे ये फूल खाती रहती हैं और इसकी वजह से अफलन की स्थिति पैदा होती है। हमने पिछले सालों में देखा है, कई बार चाहे तो बरसात के कारण या किसी अन्य वजह से अगर कीटनाशक नहीं डाले गए हैं, इन कीड़ों का नियंत्रण नहीं किया गया है, तो उन्होंने फूलों को नष्ट कर दिया है और अफलन की स्थिति को पैदा किया है। तो कृपया इन इल्लियों का समय से समुचित उपाय करें, नियंत्रण करें, ताकि अफलन जैसी स्थिति से सोयाबीन को बचाया जा सके। तो इनके नियंत्रण के लिए आज हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि सोयाबीन में जितनी भी इल्लियाँ होती हैं उनकी दो पीढ़ियाँ होती हैं। पहली पीढ़ी से थोड़ा सा कम नुकसान होता है और उस समय इल्लियों की संख्या भी बहुत कम होती है, शायद आपको देखने में भी ना मिले, लेकिन वो पत्तियों पे नुकसान करती हैं, छेद करती हैं, उन पे काटती हैं। और ये विशेष रूप से जब आपकी फसल 15 से 20 दिन के बीच की होती है उस समय ये नुकसान देखने में आता है पहली पीढ़ी की इल्लियों से। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि जब आप खड़ी फसल में डालने वाला खरपतवार नाशक डालते हैं, तो जैसे आपका इमिडाज़ोलपाइड है या कुसालापॉप इथाइल है, उनके साथ तीन कीटनाशकों में से कोई भी एक, या तो क्लोरएंटोनिलीप्रोल डाल लें उसमें, या इंडोक्साकार्ब डाल लें, या क्विनालफॉस डाल लें, इनको डाल के इस मिश्रण से अगर आप स्प्रे करेंगे सोयाबीन की फसल पे तो खरपतवारों का भी नाश होगा और ये तरह तरह की जो इल्लियाँ हो रही हैं ये भी नहीं लगेंगी। इसमें मैं एक चीज़ पर विशेष जोर देना चाहूँगा कि जब क्लोरएंटोनिलीप्रोल को आप खरपतवार नाशक के साथ डालते हैं तो इसमें पत्ती खाने वाली इल्लियाँ करीब 30-35 दिन तक सोयाबीन की फसल पर नहीं आ पाती हैं, काफ़ी लंबे समय तक इसका असर रहता है। तो इसका यह फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। दूसरा, कुछ किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए सूक्ष्म जीव आधारित कीटनाशक उपलब्ध हैं बाज़ार में, उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे बैक्टीरिया के आधार पर, बैसिलस थुरिंजिनेसिस के आधार पर कुछ कीटनाशक हैं जो कि बैक्टीरिया जनित बीमारी इल्लियों में पैदा करते हैं। इसी तरह ब्यूवेरिया बेसेना नाम का फंगस होता है जो कि फंगस की बीमारी इल्लियों में पैदा करके उनको मारता है। तो ये दोनों जो हैं, चाहे बैक्टीरिया आधारित हो चाहे फंगस आधारित हो, ये करीब करीब सभी प्रकार की इल्लियों पे काम करते हैं।